Start doing. Just do, and after that, start the next question. Don't say the answer. Hurry up, start doing. Students, look on the board. Very easy sum it is. 8 raised to power 2 by 3. Denominator mein kya hai 3? So hum isko likhenge. 2 raised to power 3 into 2 by 3 minus square root of 9 is 3 into anything raised to power 0 is 1 plus 1 by 144 raised to power 1 by 2. पहले तो negative power है. Power को positive करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? Reciprocal. We can write it as 144 raised to power 1 by 2. ठीक है? Now 3 cancel. 2 square 4 minus 3 plus 12. 12 square is 144. 2 से कट जाएगा. 12. 12 plus 4, 16 minus 3 is 13. Yes, Renuka, कहाँ गड़बड़ की? समझ आ गया? See the next sum. What is the answer? 3. ठीक है, सबका आंसर आ गया. वेरी गुड. ना करवाऊं इसका, मैं करवाऊंगी. इसका मतलब क्या है बेटा? जैसे आपके पास 4th पावर है, इट मींस 81 x 8 y 4 z 16 होल पावर 1 by 4. अगर हमारे पास ऐसे होता है x y square suppose, then what does it mean? It means ये जो square है वो x के साथ भी है और y के साथ भी है. Yes or no? इसी तरह से ये जो 1 by 4 है, ये सबके साथ है. 81 raised to power 1 by 4, x 8 into 1 by 4,
y raised to power 4 into 1 by 4 and z raised to power 16 into 1 by 4. ठीक है, तो ये 81 3 की पावर 4, 4 4 कट जाएगा, ओरल करना सीखो अब. ठीक है, ये आ जाएगा 3. जिसको नहीं पता चला 3 कैसे आया, raise your hand and ask. into x square y z 4, this is the answer. 3x square y z 4. जैसे आपको ये सम करवाया है, इसी तरह से कोई भी सम आपको पेपर में आ सकता है, इससे रिलेटेड मिलता जुलता. ठीक है, 8 तक आप कैसे करते थे, जो आपने बुक में किया ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस आपके पेपर में होते थे. बट नाउ इट विल नॉट बी लाइक दैट. व्हाटएवर टॉपिक, व्हाटएवर कॉन्सेप्ट वी आर डिस्कसिंग, यू कैन गेट द सिमिलर सम्स. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हु विल टेल. यस, नो, वेट वेट वेट, आंसर ही नहीं आ रहा. इट इज सो इजी. हाँ जी साहिल, मेरा तो लक्ष्य, आपका आंसर क्या है? 1/3. दिव्या, 1/3√3. साहिल आपका, बेटा आपको लक्ष्य समझ आ रहा है? लुक हियर ऑन द बोर्ड. दो मिनट रुक जाओ, अब इतना टाइम नहीं है, चल समझ में ना, कोई बात नहीं. 9 raised to power 1/3, इसको 3 की पावर बना दे, 3 square into 1/3 multiply 3 cube into -1/2 divided by, base is same, powers will be added, मैं सीधा लिख दूंगी, 1/6 minus 2/3. What we have done, we have added the powers. इसी तरह से यहाँ पे भी 3 raised to power 2/3 into 3 raised to power -3/2. रेसिप्रोकल नहीं करने की जरूरत ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था, हमें ये भी कटिंग थोड़ी हो रही है. इस क्वेश्चन में आपने क्या करना था, बेस सेम लेकर आना. अगर रेसिप्रोकल कर दोगे वो 1/3 हो जाएगा, सम कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सॉल्व ही नहीं होगा. ठीक है, 6 LCM 1 minus 4. ठीक है, एलसीएम लिया है पावर में. इसी तरह से यहां 2/3 सेम बेस मल्टीप्लाई साइन, पावर्स विल बी एडेड, सो इट विल बी 3 raised to power 2/3 minus 3/2 over 3 raised to power minus 3/6. बस ध्यान से सॉल्व करना, कुछ भी नहीं है. अब हमारे पास क्या आया, 3 raised to power, LCM is 6, 4 minus 2 3 9 over 3 raised to power minus 1/2. तो 3 raised to power minus, पहली है LCM, 3 2 6, 3 2 2 4 2 3 9 -1/2. ज्यादा कंफ्यूजन है, रेसिप्रोकल कर लो. ये नेगेटिव पावर है, ऊपर जाके पॉजिटिव, ये नीचे आके पॉजिटिव. नाउ सेम बेस डिफरेंट पावर्स, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड, 3 raised to power 1/2 minus 5/6, 3 raised to power 6 LCM, 3 minus 5, 3 raised to power minus 2/6, so 3 raised to power minus 1/3 minus 2/6 minus 1/3. ये आंसर है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 by raised to power, और वी कैन राइट 1/3. हां जी, दोबारा समझाऊं, ऑल क्लियर? हाँ हाँ, बड़ा था बट सिंपल था, कैलकुलेशन ध्यान से करने वाली थी.
ठीक है। नो नो ऐसे वाले में नहीं रैशनलाइज करने के, और हमने रैशनलाइज सिर्फ स्क्वायर रूट वालों की है, क्यूब रूट वालों में नहीं की, ठीक है ना, जिसमें रूट स्क्वायर रूट है डिनोमिनेटर में किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ। असाइनमेंट वाले क्वेश्चन ला दो मुझे, कल लेकर आना, वो भी उनमें से भी जो जिसका एमसीक्यू बन सकता है वो डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, इसका आंसर करो करो ऑनलाइन बच्चों, फोर्थ का आंसर बता दो कोई जना, हरी अप, इफ यू हैव नॉट डन काइंडली सॉल्व इट, हरी अप क्विकली, आफ्टर वन मिनट आई विल डिस्कस। आंसर नहीं आया था, देखते हैं आंसर। बिल्कुल ठीक है, 8/27 इज द आंसर। Now see how. Sums बेटा easy है, factors नहीं देखना है। इधर देखो, solve करेंगे बेटा, फिर आगे और का sum करवाने हैं। Negative है, positive बना दे। 16/81 raised to power 3/4। विद्यांशी समझ आ गई बात अब? जैसे negative power थी, उन्हीं अंदर वाले number को उल्टा कर दिया, power वही रहेगी positive, ठीक है? Into 4/25, अब इधर देखो, हाँ नहीं, अब इधर देखो 4/25 मत करो, प्रॉब्लम की बात नहीं है, कर लो इसको भी रेसिप्रोकल कर लो, फिर बात समझ में आई। ये देखो 5/2 समथिंग बिना किए भी आ जाएगा, हाँ पावर्स को माइनस करना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव साइन आएगा। मान लो यहाँ पॉजिटिव होता सपोज, फिर आप इसको रेसिप्रोकल नहीं करते तभी आपका इजीली सॉल्व होता, बट चलो एनी हाउ 4/25 रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2/5 रेज टू पावर 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 रेज टू पावर, आ गया आंसर आपका दिव्यांशी? ओके, इसको लिखेंगे 2 square 5 square means 2/5 whole square into 3/2 divided by 2/5। समझ आ रहा है? हाँ, कौन सी कटिंग, किस चीज की? कहाँ है 36? इस टेबल से हो रही है, हो ही नहीं रही, को प्राइम है, 2 और 3 को प्राइम है ना, तो ये भी को प्राइम है, ये 4 चला जाएगा, क्या बचेगा 2/3 cube, कट गया 2/5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2/5 की पावर 3 2/5 raised to power 3 minus 3 0 8 V1 हो गया 8/27 शॉर्ट में करना है। 1 2 3 4 स्टेप्स में आंसर आया। लक्ष्य आपने कितने स्टेप्स में किया? 7। तो एमसीक्यू है थोड़े शॉर्ट में, नो नीड टू राइट इट, बट फिर भी बेटा गलती ना हो जाए इसलिए आप चाहे एक्सपैंड करके लिख सकते हो, बट जो प्रैक्टिस करते हैं हम तो जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। 2/3 गलत है ना फिर रेणुका? किसकी कटिंग करेंगे रेणुका? मैं आके देखती हूँ, रुको सम लिख दूं 2-4 और। पता नहीं वो किस चीज की कटिंग बोल रही है बेटा, मैं जाकर देखती हूँ। दिस इज वेरी इजी अकॉर्डिंग टू मी, देखिए Find the value of x. Answer discuss नहीं करना, solve करो. Very easy. X निकालो.
किसका आंसर नहीं आया? बस इजी है, क्या किया? क्यूबिंग बोथ साइड्स। जब क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे इसका क्यूब रूट हट जाएगा, इधर 5 क्यूब 4x माइनस 7 इज 125, 4x इज इक्वल टू 132, x इज इक्वल टू 30। ठीक है, उसके बाद बेटा नंबर सिस्टम में आपके पास एनसीईआरटी में पॉइंट गिवन है दैट व्हेनेवर वी इफ वी ऐड टू रैशनल नंबर्स देन आंसर इफ वी ऐड रैशनल एंड इरैशनल अच्छा ये इरैशनल पर इरैशनल है, इरैशनल प्लस इरैशनल दोबारा सुन लो। ठीक है, देखो ये इरैशनल है, ये भी इरैशनल है, 2 प्लस रूट 3 इज इरैशनल, 2 माइनस रूट 3 इज आल्सो इरैशनल, व्हेन वी आर एडिंग इट 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 ये कट गया, आंसर क्या आ गया? सो व्हेन वी ऐड एन इरैशनल एंड इरैशनल द आंसर इज रैशनल और इट माइट बी इरैशनल, but when we are adding rational and irrational the all answer is always irrational। kal karwaungi aapko ek question aur bhi aayega beta, assertion based question, ye assertion based kal karwaungi, kal ko yaad rakhna, ha assertion based, theek hai, test mein kaun se test mein, tuition mein test mein aayega, रिवीजन टेस्ट 1 में भी आएगा, रिवीजन टेस्ट 2 में भी आएगा, कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सिमिलरली रैशनल माइनस इरैशनल, रैशनल माइनस इफ वी सबट्रैक्ट अ रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर, जो मर्जी रख लो पहले, आंसर विल ऑलवेज बी इरैशनल and irrational minus irrational, example दो, rational और irrational दोनों irrational को minus करो, 2 minus root 3 minus 2 plus root 3 दोनों ले ले same, 2 minus 1 minute, अगर हम इससे ऐसे करें तो 2 कट जाएगा माइनस 2 रूट 3, ये आ गया इरैशनल, और अगर हम ले 2 माइनस रूट 3 माइनस सेम हो गए ना, थ्री माइनस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3, रूट 3 3 कट गया, आंसर इज 1। अगर हम रैशनल और इरैशनल को माइनस करते हैं, इरैशनल में से माइनस करते हैं इरैशनल को, तो आंसर इज रैशनल और इरैशनल, बात समझ में आ गई, ये याद रखना, इरैशनल प्लस इरैशनल द आंसर इज मे बी रैशनल और इरैशनल,
ओके ये वैसे क्वेश्चंस आते होते थे कि एग्जांपल दो, जैसे अभी दिव्या ने एग्जांपल दिया, गिव टू इरेशनल नंबर हुज सम इज अ रैशनल, नहीं प्रैक्टिस करते तब हम वैसे प्रैक्टिस करते है ना। अब एमसीक्यू है, एमसीक्यू में ऐसे आ सकता है द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर विल ऑलवेज बी रैशनल, इरेशनल, नॉट डिफाइंड, नन। तो सम ऑफ टू इरेशनल इरेशनल या ये भी ऑप्शन होगा, माइट बी रैशनल और इरेशनल, तो आपको ये याद रखना, आएंगे इस पे भी एमसीक्यू आता है, ठीक है ओके। हमने दोनों साइड को क्यूब क्यों किया? धीरेन बेटा इस क्वेश्चन में बेटा जब आपके पास एक मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, जैसे मान लो हाँ फाइव था आपके पास, जब ऐसे आते थे क्वेश्चन x square is equal to 16, याद है आप क्या करते थे, यहाँ से स्क्वेयर हटा देते थे और यहाँ लगा देते थे स्क्वेयर रूट, तो रूट 16 ये आ गया मान लो 4 है ना, yes ma'am, स्क्वेयर कट गया, ठीक है। इस जैसे मान लो अगर ये है आपके पास, तो इसको स्क्वेयरिंग अगर करें, अगर इसकी स्क्वेयरिंग करते हैं तो यहाँ आ जाएगा स्क्वेयर और ये स्क्वेयर रूट हट जाएगा, क्या बनेगा 16। इसी तरह से यहाँ पर क्या है क्यूब रूट, अगर हमने ये क्यूब रूट हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग बोथ साइड्स, मींस क्यूबिंग बोथ साइड्स मतलब ये क्या है, वैसे अभी ये क्या है 1/3, क्यूबिंग बोथ साइड्स मतलब दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से, ये 3 कट गया, तो ये स्टेप नहीं दिखाते, क्यूबिंग बोथ साइड्स का मतलब ये क्यूब रूट हट जाएगा, इट विल बी 4x-5 और यहाँ जाके ये पावर में चला जाएगा। अगर ऐसे हो 7th पावर ऑफ 7x-5 इज इक्वल टू 3 जनरल, तो 7x-5 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 7, ऐसे ओके मैम, ठीक है। सुनो और इक्वेशन बनाओ, अब दिस इज वेरी इजी, राइट द लीनियर, सुनो पूरा लिखना नहीं है, अब ले लो बेटा, राइट द लीनियर इक्वेशन सच दैट ईच पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ हैज एन ऑर्डिनेट 3 टाइम्स इट्स एब्सिसा, मींस मेन ये है ऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स इट्स एब्सिसा, रेज योर हैंड, ऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स एब्सिसा, इक्वेशन बनाओ, यस, अगर आप x इज इक्वल टू 3y कर दोगे दैट इज टोटली रॉन्ग, व्हाट इज दे आर सेइंग ऑर्डिनेट, आपको पता है एक्स कॉमा वाई इसको बोलते हैं हम एब्सिसा, इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट, ये तो पता है ना, ऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स एब्सिसा, तो जैसे जैसे वो बोल रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाओ, ऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स एब्सिसा, दैट इज y इज इक्वल टू x, ये ध्यान रखना है, ओके नेक्स्ट, सुनो कहते हैं जब कोई नंबर डिवाइड होता है देन द क्वोशेंट इज 9 एंड रिमाइंडर इज 1, एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, रिमाइंडर 1 देन वी डिवाइड 2 नंबर द क्वोशेंट इज 9 एंड रिमाइंडर इज 1, मेक द लीनियर इक्वेशन,
बिल्कुल सही। हाँ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, कोई बात नहीं बेटा, वी आर जस्ट क्विकली डूइंग इट। ठीक है, तो एक को एक्स ले लो, एक को वाई। मान लो इसको मैंने ले लिया एक्स, वहां लिखा नहीं हुआ किसको हमने एक्स लेना है किसको वाई। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्स लेती हूँ, इसको वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 9y प्लस 1, और इट कैन बी y इज इक्वल टू 9x प्लस 1। अगर हमने डिविडेंड को y ले लिया, इसको x, तो बोथ द इक्वेशंस आर करेक्ट। वन लास्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ अ, सुनो, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर इज 88। बनाओ लीनियर इक्वेशन। द सम ऑफ अ नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स इज 88। सम वाले क्वेश्चंस किए थे 8 में। चलो देखो बेटा, टाइम ओवर होने वाला, मैं करवा दूं। इधर देखो, लेट द नंबर एट यूनिट्स प्लेस इज एक्स। बोर्ड पे देखो, अच्छा चलो, टेंस प्लेस पे नंबर है ना, ना, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? वो सम है, जो नंबर जिस, बोलने दो, 2 मिनट रह गए, जो नंबर जिस प्लेस पे है उससे वो मल्टीप्लाई होगा। x into s into 1 plus 10 into y means ये बनेगा x plus 10y। वो गलत है ना, लिख सकते हो क्या? यूनिट प्लेस, यूनिट यूनिट प्लेस पे x लिखा है, 1 प्लेस। ठीक है, रिवर्स नंबर मतलब उल्टा, x into 10 plus 10, 1 into y, मतलब रिवर्स क्या हो जाएगा, 10 इसके साथ है, रिवर्स में 10 इसके साथ आ जाएगा। यही है सम, जब भी सम ऑफ डिजिट, टू डिजिट वाले सम आएंगे तो दिस इज द, अगर ओरिजिनल नंबर ये, रिवर्स नंबर उसका उल्टा, उल्टा। तो कहते हैं क्वेश्चन क्या है कि जो ओरिजिनल नंबर है और जो उसका रिवर्स है, दोनों का सम कितना है? 88। 11x plus 11y is 88. So the equation will be x plus y is equal to 8. Question लिखो। The sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the order of digits. The sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the order of digits is 88. Make a linear equation. So, ये भी important है, because these type of sums you have done in 8th class. तो ये sums आपको पक्का आ सकते हैं, ठीक है? कि इनकी equation क्या है? ये समझ आई? असाइनमेंट लेकर आना कोई बच्चा कल, ठीक है बेटा? ऑल राइट स्टूडेंट, सी यू टुमारो, टेक केयर।